इसीलिए ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो राजनीति का रवैया, राजनीति का ढर्रा क्या था? 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी, सामान्य मानवीय बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, यह तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है, इसको भी हमको याद है। और इसलिए अब हम कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे बदला, आपने देखा नेतृत्व का कितना बड़ा असर होता है। कोरोना तो दुनिया में आया लेकिन अमेरिका के लोग फैसला नहीं कर सके कि अर्थ जरूरी है कि मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है कि मानवता जरूरी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कोई देश के नेता ये तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थनीति जरूरी है। और इसीलिए वो कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, लगाए कि नहीं लगाए, इसके बीच में झूलते रहे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सख्त फैसला लिया और सख्ती से लॉकडाउन लगाया और 2 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। और जब हम तैयार हो गए लड़ने के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। दुनिया को मिसाल दिखाई, 140 करोड़ का देश, कोरोना से जिस तरीके से मानवता को बचाने का काम मोदी जी ने किया, यह बदलता भारत की निशानी है, यह बदलती तस्वीर की निशानी है। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, नेहा जी ने मेरा परिचय कराया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, मैंने इस देश में बतौर स्वास्थ्य मंत्री देखा है, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए, हमारे देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए, इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 29 साल लग गए, हमारे देश में ये लेप्रसी की दवा को आने में 35 साल लग गए, इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी, 2006 में भारत में आई, लेकिन कोरोना 20 जनवरी को दस्तक देता है, 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बनाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो वैक्सीन बना करके भारत को खड़ा कर देते हैं और 220 करोड़ डबल डोज, 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके देश को तैयार करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम होता है और दुनिया का सबसे तेज वैक्सीन प्रोग्राम होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और सुनिए,
अमेरिका का व्यक्ति जब भारत के दिल्ली पर उतरता है तो कागज का सर्टिफिकेट दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है, और भारत का आदमी जब अमेरिका जाता है तो वो अपना मोबाइल नंबर दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है, उसका सर्टिफिकेशन मोबाइल से निकाल के दिखाता है। ये डिजिटल भारत है, ये बदलता भारत है, ये बदला हुआ भारत है जो हमको समझने की जरूरत है। पहले मानते थे दवाई दो, वैक्सीन दो, फलाना दो, ढकाना दो। आज भारत 100 देशों को वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, वैक्सीन मैत्री में पहुंचाया और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई, ये व्यवस्था करके दी। मित्रों आप बताइए, आप पहाड़ के रहने वाले बताइए, गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? बदली है कि नहीं बदली है? आप बताइए, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में गांव में शौचालय बन गए कि नहीं बन गए? अब कोई मुफ्त शौचालय नहीं जाता है ना, ये फर्क आया कि नहीं आया? आप बताइए, आयुष्मान भारत में आपको इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों मैं आपको तस्वीर बताना चाहता हूं, मैं बार बार बताता हूं और मैं यहां भी बताना चाहूंगा। मैं 1993 में MLA बन गया था, 1993 में। उस समय मेरा एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD मेरे पास आता था, बोलता था नेता साहब आप अगले साल की सड़कों का योजना बताओ, योजना बताओ। तो मैं उसको योजना बताता था, फलाने गांव से फलाने गांव सड़क, फलाने गांव से फलाने गांव सड़क। तो 40 सड़कें मैं दे देता था, ये 40 सड़कें हैं। और जब बजट आता था तो मुझे 40,000 रुपए बजट में मिलते थे। मैं बोलता था ये 40,000 40 सड़कों में कहां लगाऊंगा, ये स्थिति थी। मैं जब MLA बना तो मेरे इलाके में 90% सड़क नहीं थी, मैं मुझे पैदल जाना पड़ता था।